उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवम रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल प्रभारी डॉक्टर ज्ञान सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी 2021 को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राज्यसभा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन कल जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ टीटू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल मास्क एवं सैनिटाइजर करके हम लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे, साथ ही साथ गरीब एवं असहाय जरूरतमंद पुरुष एवं महिलाओं को कंबल वितरण किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन केक काटकर स्थान पीडी जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड कोटला चुंगी फिरोजाबाद में मनाया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में हेमंत प्रताप सिंह जी मुक्त सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल एवं फिरोजाबाद, डॉक्टर भारतेंद्र अरुण जी मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल, मुख्य वक्ता डॉक्टर ज्ञान सिंह प्रभारी आगरा मंडल, विशिष्ट अतिथि अनिल भाटिया जी प्रभारी आगरा मंडल, लक्ष्मी नारायण भगेल जी प्रभारी आगरा मंडल, संजय अम्बेडकर जी प्रभारी आगरा मंडल, सफात गान राजू जी महानगर अध्यक्ष बसपा फिरोजाबाद, ब्रजमोहन कश्यप जी पूर्व जोन इंचार्ज आगरा मंडल, गोल्डी राठौर जी पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद, कोमल सिंह कुशवा जी पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद, राम सिंह सुपारी वाले वरिष्ठ बसपा नेता फिरोजाबाद अध्यक्षता करेंगे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता स्वराज सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जो जन्मदिन दिन है वो मनाया जाएगा। स्थान उसका पीडीजीएन इंटर कॉलेज। जो प्रेस वार्ता रखी है, कहाँ रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इंसाफ और न्याय की देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 15 जनवरी 2021 को श्री पीडीजन इंटर कॉलेज में आदरणीय बहन जी का जन्मदिन धूम बड़े सादगी के साथ बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मनाएंगे। इस संबंध में सूचना देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आदरणीय बहन जी के जन्मदिन को बहुजन समाज पार्टी के और पूरे देश के लोग पिछले कई वर्षों से मनाते चले आए, उसी क्रम में मनाया जाएगा। पीडीजन इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ गरीब असहाय बेरोजगार और जो निर्धन लोग हैं उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कंबल या अन्य उपहार दे करके उनको उनके मदद की जाएगी। साथ ही चूंकि पूरे देश में कोरोना महामारी एक व्यापक रूप ले चुकी है, उसके बचाव को ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी की तरफ से आदेश हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता कोरोना के नियमों का पूरा पालन करेगा, मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और आपस में भी उचित दूरी रखेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मायावती का कौन सा जन्मदिन मनाया जाएगा? 65वां जन्मदिन मनाया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखा गया है, क्योंकि पूरे देश में किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा है, तमाम 50 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी इस कड़कड़ाती ठंड और बरसते पानी में हो चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी ने किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया है, लेकिन हम सब लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, ये किसानों का विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है, हमारी पूरी तरह से सहमति है। तो हम सड़क पर तो नहीं आना चाहते, लेकिन हमारी उनके साथ पूरी सहर देता है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को धूम के धाम के साथ न मनाकर सादगी के साथ मनाएंगे। किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है और जो लोग किसान इस आंदोलन में पीड़ित होकर शहादत हुए हैं उनके प्रति बहुजन समाज पार्टी की पूरी पूरी हर वर्ष की भांति बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन मनाया जाएगा। मुझसे पूर्व हमारे डॉक्टर ज्ञान सिंह जी सेक्टर कोऑर्डिनेटर और जनपद फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बता दिया है और 5 विधानसभा के हमारे जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं वो सारे आएंगे और प्रोटोकॉल का जिस तरीके से अभी जो महामारी का जो समय चल रहा है उसमें मास्क सैनिटाइजर सारी व्यवस्था कर ली गई है, उसके सभी पदाधिकारी मास्क और सैनिटाइज करके आएंगे और समय को देखते हुए सर्दी का माहौल है, सर्दी का समय है, उसमें कंबल वितरण का भी हम लोगों ने गरीब असहाय लोगों के लिए व्यवस्था की गई है
और मैं साथियों मैं और ज़्यादा न कह के जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी बहुजन समाज पार्टी हमारी बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर उन सब लोगों के साथ साथ हैं। और जो इस आंदोलन में जो मृत्यु हुई है उन लोगों के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है और समय समय पर बहुजन समाज पार्टी किसान आंदोलन के लिए तत्पर तैयार है।